नमस्कार दोस्तों, अगर आप जॉब की सोच रहे हैं कि आपको कोई जॉब मिल जाए या आप किसी न्यूज़पेपर में सर्च कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी CISF कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन की वैकेंसी निकली है, जिसके लिए योग्यता आपको 10वीं पास चाहिए और उसमें कुल वैकेंसी 914 है। इसके अंदर उसमें कुक, मोची, नाई, वाशरमैन, बढ़ई, स्वीपर, पेंटर, मेसन, प्लम्बर, माली और इलेक्ट्रिशियन जैसी कुल 914 रिक्तियां शामिल हैं। इन पदों की नियुक्तियां रेलवे के उत्तरी NCR, पश्चिमी, मध्य पूर्वी, दक्षिणी, दक्षिण पूर्वी और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार 10वीं पास और ITI सर्टिफिकेट होना जरूरी। योग्य उम्मीदवार 23 सितंबर 2019 से 22 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए CISF की आधिकारिक वेबसाइट www.cisf.government.in के ऊपर विजिट कर सकते हैं। मैं इसकी लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें जो 914 वैकेंसी है उसके अंदर कुक की 350 वैकेंसी हैं, मोची की 13 है, नाई की 109 है, वाशरमैन 133 है, कारपेंटर 13 है, स्वीपर 270 है, पेंटर 5 है, मेसन 5 वैकेंसी हैं, प्लम्बर की 4 है, माली की 4 वैकेंसी और इलेक्ट्रीशियन की 3 रिक्तियाँ हैं। वहीं बैकलॉग वैकेंसी में मोची 1 और नाई 2 के पद शामिल हैं। कॉन्स्टेबल ट्रेडमैन पदों पर उम्मीदवारों का चयन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन ट्रेड टेस्ट, लिखित परीक्षा और मेडिकल परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। UR, EWS और OBC श्रेणियों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये रखा गया, जबकि SC ST और पूर्व कर्मचारियों से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। UR, SC, EWS और OBC उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई 165 सेंटीमीटर, सीना 70 सेंटीमीटर और 82 सेंटीमीटर है, जबकि अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई 162 सेंटीमीटर और सीना 76 सेंटीमीटर और 81 सेंटीमीटर फुलाने के बाद में। गढ़वालियों, कुमाऊनी, गोरखाओं, उग्रास, मराठों, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के राज्यों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई 162.5 सेंटीमीटर, सीना 70 सेंटीमीटर और सीना फुलाने के बाद में 82 सेंटीमीटर। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, अगर पसंद नहीं आए तो इसको आप डिसलाइक पक्का करना। ओके दोस्तों, थैंक यू।